सत्संग कभी भी नुकसान नहीं करता, कल्याण ही करता है। एक गरी आधी से पुनियाद, कबीरा संगत साधु की हरे गोल्डी अपराध। इधर वही लंकरी की बुद्धि शुद्ध हो गई और कह रही है, अरे प्रभु सिंह नगर की जय, सब का जय। हनुमान जी प्रवेश कर गए लंका। रात्रि का समय, सब सो रहे थे। लंका के जितने निशिचर हैं वो सब सो रहे हैं। तो लिखा तो ये गया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर हनुमान जी जाते हैं और शोधते हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, ढूंढते हैं कहाँ है देवी सीता। अब अच्छा दिमाग लगाओ, मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर उसे कहते हैं जहां पर भगवान रहते हो, जहां पर भगवान विराजमान हो उसे कहते हैं मंदिर। लेकिन लंका में जितने सो ही रहे थे महाराज, मोह निशा जग शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। वे निशाचर, अब उनको भवन, तुलसीदास लिख रहे हैं मंदिर, मंदिर लिख रहे हैं। मंदिर क्यों लिख रहे हैं बताएं? क्योंकि लंका को ही मंदिर कह दिया, क्योंकि जिसमें वैदेही जगत जननी जगदम्बा सीता रहती हो लो कहीं ना कहीं। अभी हनुमान को नहीं मालूम, लेकिन हनुमान कहते हैं जहां मेरी मैया है बाबिर नगरी मंदिर ही है। अच्छा, जब जब रावण के निज निवास में गए, मंदोदरी के साथ रावण सो रहा था, शयन किए कपि ते ही देखा, उसको देखा और महाराज वैदेही वहां नहीं मिली। आगे और चलते चले गए, हनुमान जी सोचते हैं क्या करें। चलते हुए गए तो एक भवन बना था बड़ा सुंदर, उसके गेट पर महाराज केला के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, कदली फल, और भवन में स्वस्तिक चिन्ह बना था। स्वस्तिक, स्वस्तिक जानते हैं, श्री लिखा था और लिखा था श्री राम, श्री राम ऐसा लिखा था, सुस्वागतम ऐसा लिखा पाया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। और उसके आंगन में हनुमान जी ने जब देखा तो तुलसी का पौधा लगो है। तुलसी का पौधा भक्त के घर में लगता है, हर कोई कहां लगाता है उसे। रामायुध अंकित, धनुष और बाण भी बने हैं किवाड़े पर, एक पर धनुष एक पर बाण, राम लिखा है। रामायुध अंकित गृह शोभावर निन जाई, नव तुलसी का वृंदता देखि हरस कपिराय। अच्छा, ऐसा घर देख करके हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, संत को अच्छा लगता है। अच्छा, घर मकान बनवावो तो यही लिखवाना चाहिए, घर के ऊपर गायत्री मंत्र चाहो तो लिखवा सकते हो, लिखो सुस्वागतम, भगवान राम का नाम लिखो, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, शुभ लाभ लिखवावो, ऐसे लिखवा देना चाहिए। लेकिन जब कलयुगम, कलयुगम बहुत उल्टो हो, सुस्वागतम कोई ना लिखवाए रहो, बहुत ही दुई चार दस पांच लोग होते इसे ना ही, तो सीधे लिखा कुत्तों से सावधान, घर के द्वारे पर लिखो कुत्तों से सावधान। हालांकि हमारा आदमी है, समझ में नहीं आता हमारे देश को क्या हुआ है। और ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा बड़े मूर्ख, जिस प्लेट हम अपने आप खाई रहे सही प्लेट हम कुत्ता को भी खिला रहे हैं। बिटिया के साथ कुत्ता प्लेटम खाई रहो, बिटिया कुत्ता गले लगाए कि महाराज नाश्ता कर रही बैठी। अब बताओ, जब बीमारी जब परेशानी बनेगी आगे चलकर। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, स्थिति ऐसी है, हमने देखो बड़ी बड़ी महाराज पढ़ी लिखी लड़कियां कुत्ता गोदी लेके उनको मुंह चूमती, हाय भगवान कमाल है, कुत्ता को मुंह चूमती। अब बताओ तो नौजवान जो है जो
गांव गली में रात में वीडियो देख भाई कहा भगवान हमें अगले जन्म कुत्ता बना दियो हमारो कोई नहीं है। बताओ तो दिमाग में बदलाव आता है। अरे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लिखा तो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ये तक है कि यदि कुत्ता छुई जाए धोखा से तो नहाई के रसोई घर में जाना चाहिए। कुत्ता द्वार पर रहे और गाय माता घर के अंदर रख सकते हो प्रेम से, लेकिन गैया गली गली महाराज मारी मारी फिर रही और कुत्ता डबल बेड पर सोई रहो, कुत्ता नमकीन बिस्कुट खाई रहो, गैया के नहीं मिल रही सूखी घास कुत्ता खाई रहो चमन प्रास। मेरे भैया देखो एक एक उपन्यासकार हुए थे, कौन जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद, पुस्तकों में पढ़ा होगा आपने। मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा कि जिस दिन किसान के बच्चे को गाय माता के गोबर में बदबू आने लगे तो जा समझ ले कि अकाल पड़न वालों है, अकाल सूखा पड़न वालों है। क्योंकि गाय माता का गोबर तो धन होता है जिसकी महाराज तुलना कौन कर सकता है साथियों।